नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, संसद पर और संसद की सुरक्षा पर में जो चूक हुई, जो सेंधमारी हुई, उसके बाद मानो भाजपा में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया हो। भाजपा के जो प्रवक्ता शाम 5 से 9 बजे तक भाजपा के लिए माहौल बनाते थे, वह उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकले। भाजपा के आईटी सेल से लेकर गोदी मीडिया तक को काम पर लगा दिया गया है कि किसी भी तरह से इन चारों बेरोजगारी से पीड़ित युवाओं का कनेक्शन वामपंथ कांग्रेस या किसान आंदोलन से जोड़ा जाए। इस पूरी सुरक्षा चूक के माहौल पर जो सरकार की फजीहत हो रही है, उसको लेकर शायद दिशा निर्देश आ चुके हैं कि कैसे भी करके माहौल को सरकार के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ बनाओ। सरकार के आदेश पर दरबारी लगे भी हुए हैं, लेकिन कुछ खास फायदा हो नहीं पा रहा है। जिसके बाद कमान संभाल ली है कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीएम मोदी को युग पुरुष बताने वाले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। विपक्ष के सांसद लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे इस पूरी सुरक्षा चूक के मामले पर, लेकिन ओम बिरला साहब तो जरूरत से ज्यादा ही सख्त मॉनिटर निकले। उन्होंने एक साथ 14 सदस्यों को बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया और राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको खराब आचरण की वजह से पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको यह आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही या उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुनाह था? उनका यह गुनाह था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से है, वो सदन में तो छोड़ दीजिए नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्मा मैसूरु का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं। बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है, निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं, सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है, सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है, लेकिन देश के सामने आकर देश को यह भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि स्थिति संभली हुई है, कि सुरक्षा की चिंता करने की कोई जगह नहीं है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब दर्शकों, आप इस बात को सोचिए कि कसूर क्या था इन सांसदों का, कि वह संसद की सुरक्षा में हुए चूक के मामले में सरकार को जवाबदेही का एहसास कराना चाहते थे। बस यही चूक हो गई। वह चाहते थे कि देश के गृह मंत्री इस पर जवाब दें, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि भाजपा ने विपक्ष की मांग पर कोई बयान दिया हो? ना मणिपुर के मामले में पीएम मोदी बोल पाए और ना ही संसद सुरक्षा चूक मामले पर अमित शाह। लेकिन होता क्या है, इसके उलट विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। दर्शकों, इतने बच्चे तो क्लास के बाहर नहीं गए होंगे,
कभी आपने सुना, हम लोग और आप लोग भी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई करके आ चुके हैं, कभी भी इतने बच्चों को क्लास टीचर ने या मॉनिटर ने भी कभी बाहर नहीं किया जितना ओम बिरला ने एक साथ 14 सांसदों को कर दिया। अब लेकिन इस सस्पेंशन की हड़बड़ाहट में लोकसभा सचिवालय और ओम बिरला से ऐसी भूल हो गई कि सरकार और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कथित तौर पर चौतरफा किरकिरी होने लगी। तो अब सवाल तो यही है कि आखिर क्यों, आखिर किस वजह से ये निलंबन किए गए, क्या सवाल पूछना देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब गुनाह हो चला है, क्या सवाल पूछना दर्शकों देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत हो चुका है। विपक्ष जिसको लोकतंत्र के को मजबूत करने का नींव के तौर पर देखा जाता है, अगर वह सवाल पूछता है तो क्या गलत हो जाता है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जिन सांसद महोदय के पास पर ये चारों बेरोजगारी से पीड़ित कथित तौर पर उपद्रवी युवा आए संसद में, उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होता है, ना उनको संज्ञान में लिया जाता है, ना उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति बैठती है, कुछ भी नहीं होता है। वह खुलेआम घूम रहे हैं और अपने यहाँ पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद हैं। आज बाकी पूरा मंत्रिमंडल बीजेपी का राजस्थान पहुंचा हुआ है, दिग्गज राजस्थान पहुंचे हुए शपथ ग्रहण समारोह में। आपको क्या लगता है दर्शकों, आखिर ये चूक हुई किससे, किसकी गलती की वजह से हुई, और इसमें जवाबदेही क्या सिर्फ उन चार या छह युवाओं का ही है या किसी और का, सिस्टम क्या इसके लिए जवाबदेह नहीं है, सिस्टम को इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए। दर्शकों उस जो लोकसभा स्पीकर की चेयर होती है उस चेयर को निष्पक्ष माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह निष्पक्ष होकर सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा, लेकिन लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। ओम बिरला भी सत्ता के आशीर्वाद से मिली इस कुर्सी का कर्ज उतारने में लगे हैं, तभी तो कल निलंबन करने के दौरान वह इतने जोश में थे कि सचिवालय ने उस सांसद को भी निलंबित कर दिया जो कल संसद में थे ही नहीं, जो दिल्ली में ही नहीं थे। कल जब फजीहत होनी शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सफाई देते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मियों से पहचानने में गलती हो गई। जनता ये बात कैसे मान ले, क्योंकि आप तो उस दल के नेता हैं जिसके मुखिया या कह लीजिए कि अभी के कथित सबसे बड़े नेता कपड़ा देखकर पहचान जाते हैं कि साहब ये आंदोलनजीवी है या उग्रवादी है, क्या है, तो कैसे आपसे ये गलती हो गई। इस पर भी संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। संसद में निलंबन के लिए इतनी योग्यता काफी है कि आप विपक्ष के सांसद हैं। आज का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके निलंबन के लिए इतनी योग्यता ठीक है कि आप सिर्फ विपक्ष के सांसद हैं, आप सदन में हैं या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको निलंबित कर दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर दर्शकों आपका क्या सोचना है, इस पूरे निलंबन प्रक्रिया पर हमें जरूर लिख भेजें। और दर्शकों एक बात और, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला इस पूरे निलंबन पर, इस पूरी व्यवस्था पर, वो भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर लोकसभा स्पीकर का चाबुक चल रहा है उस पर भी हम आपका कमेंट चाहेंगे। क्या सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करके, क्या सांसदों को निलंबित करने भर से ही सरकार की जवाबदेही इस पूरे मसले से खत्म हो जाती है, पूरा जो रुख है उन चार और छह युवाओं के ऊपर लगा दिया गया है, लेकिन प्रताप सीमा को जो बीजेपी सांसद है उनको जाने दिया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक मुद्दा है। इस पर भी आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।